वेलकम आप पीके प्रेम असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ द जीवी वेलकम आप सभी का मैं हूं पीके प्रेम असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ द जीवी। आइए आज हम नए चैप्टर का आगाज करने जा रहे हैं थ्री फेस वाला सिंगल फेज मोटर। देखिए अब धीरे धीरे आपको हर चीज आसानी से समझ में आएगा और क्वेश्चंस जो भी होंगे वो लगभग लगभग आपको पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि आपने थ्री फेज मोटर के सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ा। अब हम लोग सिंगल फेज की बात करें, ये सिंगल फेज मोटर हमारे घर में लगभग सभी जगह लगभग यूज होते हैं, जैसे आपके वॉशिंग मशीन हो, क्या कहते हैं एसी हो, चाहे आपका क्या कहते हैं हेयर ड्रायर हो, चाहे आपका टंकी वाटर टंकी पानी के लिए हो, ढेर सारी जगह हम लोग क्या करते हैं एडजस्ट हो, सीलिंग फैन हो, आपके घर में पंखे लगे होते हैं, इस सारे सारे चीज़ें सिंगल फेज के अंतर्गत आते हैं। देखेंगे सिंगल फेज एक्चुअली में इसका नाम है सिंगल फेज, समझ रहे, क्योंकि सिंगल फेज सप्लाई देते हैं लेकिन ये एकदम काम जो करेगा ये काम करेगा एकदम पॉलीफेज की तरह। किसके तरह? पॉलीफेज थ्री फेज इंडक्शन मोटर जिस तरह काम कर रहा था ना, ये ठीक उसी प्रकार काम करेगा, लेकिन इसमें जुगाड़ लगाना पड़ता है हम लोग, ठीक है। तो याद रखिएगा कि हम लोग जा रहे हैं पढ़ने के लिए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। ये क्या है? इंडक्शन मोटर है, यानी एक कलिया प्रेरण मोटर। ये जो आप मोटर देखने सिंगल फेज, इसमें देखिए सारी चीज़ में कैपेसिटर लगा हुआ है, कभी कुछ लगा हुआ है, कभी कुछ, यानी कि जुगाड़ लगा करके हम लोग इसको क्या करके चलाते हैं। याद रखिएगा सिंगल फेज पर कोई भी मोटर कभी नहीं चल सकता है, याद रखिएगा सिंगल फेज मोटर कभी सेल्फ स्टार्टिंग नहीं हो सकता है, उसको सेल्फ स्टार्टिंग बनाया जाता है, समझिएगा। हम जानते हैं कि अब सिंगल फेज की बात करें, हम लोग थ्री फेज के मोटर में पढ़ रहे थे, थ्री फेज में क्या होता था एकदम ध्यान दीजिए थोड़ा सा, क्लियरली भी समझते हैं। थ्री फेज में क्या होता था? स्टेटर होता था, स्टेटर पर तीन फेज के लिए क्या करते थे हम लोग वाइंडिंग करते थे, करते थे नहीं करते थे। तो थ्री फेज का जो अपना ये तीनों फेज में सप्लाई जाता था, तीनों फेज में सप्लाई अलग अलग फेज अंतर में जाता था, ठीक है, अलग अलग फेज अंतर में जाता था। लेकिन क्या होता है जब सिंगल फेज की बात करें तो सिर्फ एक ही करेंगे तो वहाँ पर क्या सिर्फ और सिर्फ एक ही एसी यानी स्टैंडवे बनेगा, समझेगा। तो यानी इसमें थ्री फेज वाला थ्री फेज का मोटर में सप्लाई देते थे तो पहले इसमें बनता था चमकी से, फिर वाई वाला में बनता था, फिर बी वाला में बनता था, ये प्रक्रिया क्या था? रोटेटिंग होती रहता था। इसका मतलब जो थ्री फेज का मोटर था उसमें क्या था? रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का क्या होता था? आरएमएफ का निर्माण होता था और खिंचाव बल के कारण इसके अंदर रोटर रखते थे तो यही फ्लक्स घूमता और चुके फ्लक्स रोटर को काटता था और रोटर में ले जाओ के अकॉर्डिंग, ले जाओ मतलब जिससे वो उत्पन्न होता था उसका विरोध करता था, उसी के अकॉर्डिंग क्या होता था? ये घूमता था। ये अपना थ्री फेज मोटर था, थ्री फेज सप्लाई में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता था, इसलिए वहाँ आसानी से क्या होता था? रोटर घूम जाता था। लेकिन याद रखिए कि सिंगल फेज अगर मोटर की बात करें तो सिंगल फेज में क्या होता है? आप मानिए यानी स्टेटर, इसमें भी स्टेटर होता है, इसमें रोटर होता है, यानी कि इसमें भी स्क्वायर केज की ज्यादा प्रधानता होती है, इसमें भी ज्यादा यूज होते हैं स्क्वायर केज। हमेशा याद रखिएगा स्क्वायर केज ज्यादा इसलिए होता है क्योंकि उसमें रॉड होते हैं ना, इसमें मेंटेनेंस नहीं होता है, कॉइल जलेगा नहीं, इसमें समस्या नहीं होती है, कॉइल जल जाएगा मोटर क्या जाएगा, बर्नआउट हो जाएगा, याद रखिएगा। तो कहने का मतलब इसमें जब सिंगल फेज देंगे सिंगल फेज रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड घूमता हुआ चुमक क्षेत्र का निर्माण नहीं करेगा, तो घूमता हुआ चुमक क्षेत्र का निर्माण नहीं करेगा तो मोटर नहीं चलेगा, इसे ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कि अपना इधर क्लीन करते हैं, देखिए अपना ये सिंगल फेज वाला है, हमारी सिंगल फेज की बात करें जब सप्लाई दें तो ये जो सिंगल फेज अपना ये जीरो से लेकर नंबर नंबर से लेकर 180 जाता है, 180 से सीधा यहाँ से 270 और 270 से लेकर 360, मतलब क्या होता है एक सेकंड पूरा करता है, ये एक सेकंड पूरा करता है। मान लीजिए ध्यान दीजिए कि अभी मान लीजिए रोटर की स्थिति ऐसा है, इसमें क्या हुआ? करंट जहाँ शुरू हुआ, अगर चुमकीय क्षेत्र का निर्माण हो तो मान लीजिए अभी पॉलिटी है, मान लीजिए चुमकीय क्षेत्र एक बार इधर बनेगा और तुरंत निगेटिव बदल जाएगा, चुमकीय क्षेत्र क्या बनेगा, मतलब रोटर के अंदर बदलता हुआ चुमकीय क्षेत्र बनेगा, एनओएस बदलता हुआ रहेगा। मान लीजिए अगर इसके अंदर क्या होता रोटर होता और ये स्टेटर होता अपना वाइंडिंग कर लिए होते तो इसमें चुमकीय क्षेत्र का निर्माण कभी एन बनता तुरंत कुछ देर बाद एस बनता, कैसे? क्योंकि आपका जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 Hz है, इसका मतलब समझेगा एक सेकंड में यही परिणाम बनेगा, यही बनेगा, जब तक ये इधर घूमने की कोशिश करेगा तो इधर एस बन जाएगा, ये क्या हो जाएगा इस स्थिति में ये ऐसा, मतलब यहाँ से यहाँ घूमेगा और यहाँ से यहाँ आएगा, लेकिन ये पूरा एक बार रोटेटिंग नहीं कर पाएगा, क्यों? क्योंकि इसमें घूमता हुआ चुमकीय क्षेत्र तो बनता नहीं है, नहीं बनता तो क्या करेगा? घूमेगा नहीं, एकदम क्लियरली समझिएगा। इसका मतलब है कि सर सिंगल फेज देकर के सेल्फ स्टार्ट नहीं कर सकते, हाँ एक काम कर सकते हैं, एक कब चल हो जाएगा, जैसे आप एन के तरफ की तरफ घूमेगा ना तो आप क्या करिए थोड़ा सा धक्का लगा दीजिए, आप किसी एक डायरेक्शन में थोड़ा सा फोर्स लगा दीजिए तब ये चलने लगेगा, क्योंकि आप देखेंगे कभी ट्रेन वगैरह में यात्रा करते होंगे या घरों में कोई या ऑफिस में कोई फैन होता है लाइन देने के बाद भी वो चलता नहीं, वहीं करता है थोड़ा सा अस्थिर रहता है, जैसे हाथ से घुमा देते हैं तो चलने लगता है, क्या होता है उस समय फेज डिफरेंस जो होता है वो नहीं बन पाता है, हम लोग क्या करते हैं थोड़ा सा धक्का देते हैं चलने लगता है। लेकिन हमने कहा कि आपको सप्लाई दें और मोटर अपने आप चलना चाहिए, उसमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण होना चाहिए और रोटर को खुद खुद होना चाहिए, ऐसा नहीं ना कि सप्लाई देंगे सप्लाई देने के बाद एक बात का धक्का मार के वहाँ पर जाएंगे पंखा के पास आता पंखा चलेगा या मोटर कोई भी चलेगा, ऐसा नहीं करना। तो कहने का मतलब है कि जब ऐसी सिंगल फेज की वाइंडिंग करते हैं तब ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण नहीं होता, तो क्या करेंगे? रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के लिए कई सारी जुगाड़ लगाते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम ये कहते हैं कि सिंगल फेज जो है मोटर है वो काम करना चाहिए इंडक्शन के आधार पर जैसे थ्री फेज का मोटर काम करता था। देखिए यहाँ पर जो बात कर रहे हैं ये दोनों दिशा में बन रहा है ना, कभी जाएगा तो थरथराएगा, थरथराने का मतलब ये आगे पीछे होगा रोटर लेकिन चलेगा नहीं, क्यों? क्योंकि आज में बदलता हुआ चुमकीय क्षेत्र का निर्माण हो रहा है और तुरंत बदल रहा है और सिंगल फेज है एक ही जगह बदल रहा है, एनएसएनएस हो रहा है, ये खींचेगा रिपर्सन करेगा लेकिन काम नहीं करेगा, समझ रहे बात को? तो इसको काम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको काम करने के लिए कई तरह अपनाए जाते हैं, कई उपयोग किए जाते हैं, कई जुगाड़ लगाए जाते हैं, तो जुगाड़ कौन कौन से उसको देखेंगे। इससे पहले हम क्या करें कुछ लिख लेते हैं, ठीक है, इसके बारे में करें कि सिंगल फेज मोटर का जो कंस्ट्रक्शन होता है वो एकदम होता है किस तरह थ्री फेज पॉलीफेज मोटर की तरह, क्योंकि उसमें भी स्क्वायर केज होता है, इसमें भी स्क्वायर केज होता है, इसमें भी रोटर होता है, कंस्ट्रक्शन अलग से नहीं पड़ना है, इसमें देखिए ये बाहर से या क्या बॉडी है, बॉडी के अंदर क्या होता है स्टेटर होता है, स्टेटर के अंदर रोटर, रोटर किस पर फिट होता है? साफ पर फिट होता है। तो ये कंस्ट्रक्शन जो है मेनली थ्री फेज मोटर की तरह बनाया जाता है, समझ बात को? दूसरी बात करें कि इसमें केवल सिंगल फेज की वाइंडिंग किया जाता है, क्योंकि सिंगल फेज मोटर है तो वाइंडिंग सिंगल फेज की करेंगे, लेकिन याद रखिएगा करें कि यह सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है, याद रखिए सिंगल फेज अभी हमने बताया कि सेल्फ स्टार्टिंग क्यों नहीं होता है, क्योंकि इसमें बदलता हुआ चुंबकीय क्षेत्र तो बनेगा लेकिन एक ही कॉइल बनेगा, एक ही जगह बनेगा, तो ऐसे डायरेक्ट करेगा लेकिन मोटर चलेगा नहीं, ठीक है। इसे सेल्फ स्टार्टिंग बनाया जाता है, क्यों? हमने कहा कि सेल्फ स्टार्टिंग होता नहीं, इसे बनाया जाता है। तो सेल्फ स्टार्टिंग कैसे बनाया जाता है, सेल्फ स्टार्टिंग बनाने के विधि कौन कौन से हैं, ये कैसे मोटर में अगर आप स्विच दबाइए और आपका मोटर चलने लगे, इसके लिए कई सारी विधियां होती है। हम लोग बात करेंगे या फिर मान लीजिए आप सिंगल फेज सिंबल मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बदलता हुआ फ्लक्स कम ज्यादा हो रहा है, मैक्सिमम से मिनिमम, मिनिमम से मैक्सिमम तुरंत हो रहा है, ये इसीलिए चल नहीं पा रहा है, ठीक है, थोड़ा सा नोट करिए इधर, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक एक करके समझिए, कोई दिक्कत नहीं, आराम आराम से आप समझते जाइएगा। सेल्फ स्टार्टिंग कैसे बनाएंगे भाई? सेल्फ स्टार्टिंग बनाने के आधार पर ही इसका नाम पड़ जाता है, ध्यान दीजिएगा। सिंगल फेज मोटर में कई सारे मोटर पड़ते होंगे, जैसे कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, कैपेसिटर रन मोटर, ये सारे जो बनाए जाते हैं ये इसके वाइंडिंग के सेल्फ स्टार्टिंग बनाने के विधि के आधार पर नाम रखा जाता है। देखिए हम लोग सेल्फ स्टार्टिंग बनाने के लिए दो विधि अपनाते हैं, मेरे दो विधि कौन कौन? सबसे पहले एक है पोल के सेडिंग द्वारा, ठीक है, पोल के सेडिंग द्वारा। अब सेडिंग क्या होता है अभी हम समझाएंगे, जिसे शेडेड पोल मोटर के नाम से कहते हैं, जिसमें पोल को सेडिंग करेंगे उसे शेडेड
कोण रखेंगे, दूसरा स्प्लिटिंग फेज द्वारा यानी बांटने के आधार पर। स्प्लिट स्प्लिट मतलब क्या होता है, मान लीजिए एक फेज है ना, सिंगल फेज वाइंडिंग किया, आइसिंग ऐसे क्या कर दिया, दूसरा वाइंडिंग कर दिया, मतलब करंट इधर भी जाएगा और करंट को बांट दिया इधर भी, मतलब क्या इसके फेज को क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया, विभाजन कर दिया। तो विभाजन कई तरीके से करते हैं, विभाजन करने का अलग अलग जुगाड़ होता है, तो उसके आधार पर इसका नाम अलग अलग पड़ता है। फेज स्प्लिटिंग यानी फेज विभाजन द्वारा, इसी द्वारा भाई फेज विभाजन द्वारा, फेज विभाजन द्वारा स्प्लिट फेज मोटर, जिसका नाम जब फेज का विभाजन कर दिया, अगर हम लोग क्या करते हैं स्टार्टिंग बनाते हैं मोटर को, उस मोटर का नाम पड़ जाता है क्या, स्प्लिट फेज मोटर। क्या पड़ जाता है, स्प्लिट फेज मोटर के नाम से जाना जाता है। ये देखिए क्या विभाजन के आधार पर इसका नाम पड़ गया, पहले हम आपको बताएं। अब विभाजन करने में सबसे पहले शेडेड कोण मोटर का प्रयोग करते हैं, तो शेडिंग रिंग लगाते हैं, आइए देखते हैं शेडेड कोण मोटर में कैसे शेडेड कोण मोटर विभाजित कर देता है और रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है और किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, सबसे पहले आपको देखेंगे, ध्यान दीजिएगा एक एक करके, एकदम सुनते जाइएगा, जैसे जैसे आप पेपर पढ़ते जाएंगे सारे कांसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। और एक भी क्वेश्चन आपको इससे छूटने वाले नहीं है, लगभग कोशिश रहता है कि आपके लगभग क्वेश्चन का जवाब इसमें मिल जाएगा। ठीक है, और हर क्वेश्चन आपके अंदर कौन सा आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करके स्प्लिट फेज करते हैं, तो फेज स्प्लिट में सबसे पहले क्या है, शेडेड कोण मोटर यानी शेडिंग द्वारा। ठीक है, तो शेडिंग द्वारा काम करता है, उसको शेडेड कोण मोटर की बात करें हम लोग। ये आइए देखते हैं कौन सा शेडेड कोण मोटर, ये शेडेड कोण मोटर क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। देखिए मोटर में स्टेटर होता है, रोटर होता है, ये दो चीजें आपको समझ में आती है। देखिए यहाँ पर क्या है, आपको एक एक चीज हम समझा रहे हैं। ये देखिए शेडेड कोण मोटर का एक कंस्ट्रक्शन पार्ट है और ये बाहर वाला पार्ट है, ये योक कहलाता है, और ये इसके अंदर क्या होता है, स्टेटर होता है। और स्टेटर में क्या होता है, ये पोल बने होते हैं, एक दो तीन चार पोल है इसमें, और चार पोल में देखिए आप ये खांचा कटा हुआ है। ये जो पोल है ना, शेडेड पोल मोटर के जो पोल होते हैं वो सेलिएंट टाइप होते हैं, कौन होते हैं, सेलिएंट टाइप। ध्यान दीजिएगा, ये पूछेगा आपको कि शेडेड पोल मोटर में जो पोल होते हैं वो सेलिएंट प्रकार के होते हैं, सेलिएंट प्रकार इंग्लिश में बोलते हैं, लेकिन हिंदी में बोलिए तो समुन्नत प्रकार है। क्या कहते हैं, समुन्नत, समुन्नत प्रकार, ये हिंदी पूछा जाता है। तो सभी जगह क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, सेलिएंट पोल और समुन्नत प्रकार, सेलिएंट और समुन्नत क्यों कहते हैं। देखिए ये जो पोल है अपना, ये पोल का निर्माण ऐसा इस प्रकार का जब होगा, ये जो सिर्फ आपको दिख रहा है, इस पर मेन वाइंडिंग किया जाता है, तो ये जो पोल का निर्माण होता है इससे जो फ्लक्स निकलता है, तो इस तरह का निर्माण जो हुआ है इस तरह का, इसे सेलिएंट पोल के नाम से कहते हैं। क्या कहते हैं, सेलिएंट पोल, यानी समुन्नत प्रकार के पोल होते हैं। लेकिन इसमें सेलिएंट पोल को भी क्या किया जाता है, थोड़ा सा याद रखिए, क्या किया जाता है, काटा जाता है, कैसे, एक खांचा निर्माण किया जाता है। याद रखिए, आपको जनरली दिखाएंगे, ये देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये वाला देखिए, ये एक पोल है, सेलिएंट पोल आपको समझा, ध्यान दीजिएगा, ये जो पोल है अपना, इसमें देखिए ये आपका ये पूरा पोल है और बीच में इसको क्या कर दिया, काट दिया गया ऐसे, और दूसरा पे क्या लगाया, कॉपर रिंग लगा दिया गया। अरे कॉपर रिंग क्या है, एक शॉर्ट सर्किटेड कॉपर रिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शॉर्ट सर्किटेड, शॉर्ट सर्किटेड का मतलब एक क्लोज पाथ का निर्माण करने के लिए इसमें क्या करते हैं, एक कॉपर का रिंग लगाया जाता है, किसमें, इस सेलिएंट पोल के एक भाग में। आप कितने, ये पूरा भाग है, देखिए यहाँ पर आपको बनाते हैं, ये देखिए ये क्या अपना, ये देखिए ये जो अपना ये पोल है, तो कहने का मतलब ये टोटल कॉपर पोल है, और इसमें जो है अपना कॉपर रिंग लगा दिया, एक कॉपर रिंग लगा दिया। और ध्यान दीजिएगा ये कॉपर रिंग शॉर्ट सर्किटेड होता है, तो ये जो लगाया जाता है इसे, देखिए तीन भाग इधर है और एक भाग इधर है, मतलब एक तिहाई भाग में, ये देखिए एक भाग में लगाया गया, इसका मतलब कितना रेशियो में काटा जाएगा, इसे 3:1 में, यानी 3:1 में 3:1 में इसका कटिंग होता है और इसमें घुसा जाता है क्या, शॉर्ट सर्किटेड कॉपर रिंग। ये क्यों घुसा जाता है, ये अभी तुरंत देखें, तो कहने का मतलब शेडेड पोल मोटर में इस प्रकार के पोल प्रयोग किए जाते हैं भाई, सेलिएंट पोल एंड समुन्नत प्रकार, और समुन्नत प्रकार में इसके सेलिएंट पोल को एक तिहाई भाग किया जाता है, काटा जाता है बीच में खांचा में, और याद रखिए ना, ये आपको यहाँ फ्रंट व्यू दिखा रहा है, ये है काटा हुआ, ये तीसरा भाग है, ये देखिए, और याद रखिएगा जिसमें, ये देखिए जिस पर रिंग लगा हुआ है इस भाग को हम लोग शेडेड करते हैं, शेडेड मतलब छाया, छाया मतलब क्या, इसका कॉपर का, तो शेडेड कहते हैं, और जिस भाग पर रिंग नहीं लगाए उसे अनशेडेड कहते हैं। क्या कहते हैं, अनशेडेड कहते हैं, यानी शेडेड और अनशेडेड, शेडेड में क्या लगाता है, एक कम प्रतिरोध वाला, कॉपर का है तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा भाई, कम होगा, एक एक करके देखिएगा, कॉपर वाला का जो आप शॉर्ट सर्किट रिंग लगाए हैं ये सेलिएंट पोल में, उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है, और रेजिस्टेंस तो कम होता है लेकिन इंडक्टेंस की बात करें, एल का मान बात करें वो अधिक होता है। इंडक्टेंस का क्या करने जा रहे हैं हम लोगों को, फेज डिफरेंस पैदा करना है, फेज में अंतर पैदा करना है, इसीलिए हम लोग इंडक्टिव प्रकार के कॉपर रिंग का प्रयोग करते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर इसका काम करेंगे, इससे पहले आइए ये जान लें आप शेडेड अनशेडेड और कॉपर जो होता है, रेजिस्टेंस कम होता है, इंडक्टेंस क्या होता है, अधिक होता है, एकदम समझिएगा, उच्च प्रेरणीय होता है, उच्च प्रेरक होता है, और निम्न प्रतिरोध का कॉपर शॉर्टकट रिंग होता है, कितने रेशियो में, 3:1 में, एक बात समझिएगा। अब हम लोग बात करें कि यहाँ पर अगर दो पोल्स हैं, यहाँ पर देखिए अभी फिगर अगर हम आपको बताएं, ये देखिए इसके अंदर स्पर के रखा है और ये आपका क्या है, रिंग है, शेडेड रिंग, इसमें भी शेडेड रिंग। अब क्या होता है, इस पर आप मेन सप्लाई का वाइंडिंग करेंगे, मेन सप्लाई का वाइंडिंग करेंगे इसमें क्या निकलेगा, फ्लक्स निकलेगा, और ये फ्लक्स क्या करता है, इसमें डिस्टर्ब होता है, इसके वजह से, इस कॉपर रिंग की वजह से, देखिए ये हो गया। अब इसको मैं यहाँ पर देखिए बताएं आपको, एक एक करके ध्यान दीजिएगा, इसमें सभी चीज़ें आपको समझ में आएगा। ये क्या बना है आपको, देखिए अपना ये क्या है, सेलिएंट पोल है ना, तो सेलिएंट पोल है, इस सेलिएंट पोल में इसको हटाते हैं अभी ऐसा, इस पर क्या रहता है अपना कॉपर रिंग, और ये इसमें हम लोग सप्लाई कर देते हैं, और ये क्या बनाएगा भाई, अभी जैसे निकलेगा फ्लक्स, ध्यान दीजिएगा ये जो फ्लक्स निकलेगा तो यहाँ पर पूरा का पूरा फ्लक्स निकलेगा, और यहाँ जो निकलने का कोशिश करेगा कि फ्लक्स जैसे निकलेगा इसके आगे क्या है, शॉर्ट सर्किट कॉपर रिंग, ये फ्लक्स क्या करेगा, इस शॉर्ट सर्किट कॉपर रिंग को क्या करेगा, काटेगा। तो फैराडे साहब के अकॉर्डिंग क्या होता है, अगर किसी भी कंडक्टर को कोई भी फ्लक्स काटता है उसमें क्या पैदा होता है, ईएमएफ पैदा होता है, ये बात आपको पता है कि नहीं पता, जब इसमें ईएमएफ पैदा हो जाएगा तो इसके अंदर खुद ब खुद करंट पैदा होगा, और उस करंट की वजह से ये भी क्या बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, छोटा कॉपर रिंग अपना ही बनाए, ये कॉपर रिंग क्या बनाएगा, खुद का मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, खुद का मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा तो मेन मैग्नेटिक फील्ड आप जानते हैं लेंज लॉ के अकॉर्डिंग, जिसके वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुआ है ये उसी का क्या करेगा, विरोध करेगा। इसका मतलब मान लीजिए इधर से 10 लाइन लगा रहा था, विरोध अगर 4 लाइन का भी हो गया तो अभी 10 मात्र 6 लाइन गुजरेगा फ्लक्स, इसका मतलब इधर फ्लक्स क्या हुआ, मजबूत हुआ, इधर फ्लक्स क्या हुआ, कमजोर हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, अगर इसके अंदर यहाँ रोटर देते और यही पोल इधर से भी बनाते हैं, ठीक है ये, तो याद रखिए इधर से भी ध्यान देगा कि ये क्या है, इधर इधर क्या रखेंगे, इधर कॉपर लगाएंगे, इधर रखेंगे खाली, यानी इधर हुआ शेडेड, इधर हुआ अनशेडेड, क्या हुआ अनशेडेड, मतलब ये क्या अपना अंदर में स्क्वायर केज रोटर, एक एक बात को समझिएगा। अब क्या हुआ, इधर से भी फ्लक्स निकला
इधर से फ्लक्स निकला, इधर ज्यादा फ्लक्स निकला, इधर कम निकला। याद रखिएगा जब मजबूत फ्लक्स निकालेगा ये कमजोर फ्लक्स निकालेगा तो इसके द्वारा जो काटा जाएगा फ्लक्स तो ये क्या करेगा खिंचाव बल पैदा करेगा। क्या करेगा खिंचाव, खिंचाव मतलब अट्रैक्शन वाला। तो ये वाला पोर्शन मजबूत है ये खींचेगा इधर, और ये कमजोर है तो ये खींचेगा तो घूमेगा इधर अनसेटेड से सेटेड की तरफ। तो कहने का मतलब ये देखिए ये जो है इधर से भी फ्लक्स निकलेगा, इधर से भी कमजोर, इधर से कमजोर, तो मजबूत फ्लक्स कहां जाएगा ये घूमेगा सेटेड से कॉपर रिंग की तरफ। तो याद रखिएगा ये जो काम है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के आधार पर, इसमें क्या होता है इसमें भी फ्लक्स पैदा होता है और फ्लक्स पैदा होने से पोलैरिटी का पोल बनता है और इसके अपोजिट पोलैरिटी बनती है। अपोजिट पोलैरिटी बनने का मतलब है ये दोनों क्या अट्रैक्ट करेगा, जब अट्रैक्ट करेगा अट्रैक्ट करने के बाद क्या होगा खिंचाव बल पैदा होगा, ये काम करेगा इसे घूमेगा। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या हुआ अब यहाँ समझेगा कैसे घूम गया सर। देखिए यहाँ पर जो है इसी यहाँ जो फ्लक्स था यहाँ पर जो एमएफ हुआ ये जो मेन फ्लक्स है इसके बीच में क्या डिफरेंस हो गया, क्यों डिफरेंस हो गया भाई, क्योंकि कॉपर रिंग जो है एक ही बात होगा कॉपर रिंग क्या है इंडक्टिव है। अच्छा इंडक्टिव है तो याद रखेगा इसमें लैगिंग क्वांटिटी होगा, लैगिंग हो जाएगा यहाँ पर आके करेंट। अच्छा लैगिंग हो जाएगा तो लैगिंग होने का मतलब है कि फेज डिफरेंस पैदा हो जाएगा, अब फेज डिफरेंस पैदा हो गया तो फेज डिफरेंस की वजह से आरएमएफ यानी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का क्या निर्माण होगा, ये कॉपर रिंग इंडक्टिव होने के कारण इसमें लैगिंग क्वांटिटी हो जाएगी और कॉपर इंडक्टिव है तो इंडक्टर में करंट क्या होता है लैग कर जाता है वोल्टेज से, यही तो फेस का डिफरेंस आपको पैदा करना था और इसमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा करना था। आइए एक एक करके लाइन टू लाइन समझे, वही कारण यहाँ पर है ये देखिए ये सेटेड है और ये अनसेटेड है। और याद रखिएगा जब भी मोटर घूमेगा तो अनसेटेड से सेटेड पोल की तरफ घूमेगा, सेटेड पोल मतलब कॉपर रिंग की तरफ घूमेगा, ये बात याद रखिएगा। क्वेश्चन एक एक पूछा जाएगा आपको, इसमें क्या होता है भाई, अब देखिए ये रिंग आप नहीं बदल सकते, अगर इसकी रोटेशन की बात किया जाए इसके रोटेशन मतलब इसकी अगर घूमने की बात किया जाए इसकी दिशा आप नहीं बदल सकते, क्योंकि कॉपर रिंग जिस साइड लगा दी जो मैग्नेटिक फ्लक्स बन रहा है उसको आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो कंस्ट्रक्शन में चेंज नहीं होगा तो फ्लक्स का जो रोटेशन है जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण होता है स्टार्टिंग में जो बन गया वो उसी तरफ घूमेगा। इसके खास बात इसमें है कि सेटेड पोल मोटर में क्या होता है ये कम टॉर्क पैदा करता है, कम टॉर्क पैदा करने का मतलब इसमें लॉसेस ज्यादा होते हैं यानी एफिशिएंसी इसके कम होते हैं। तो वैसे भी याद रखेगा कि इसका जो आपको यहाँ पर पावर फैक्टर क्या होता है कम होता है, अब कैसे कम होता है पावर फैक्टर आपको दिखाते हैं। देखिए अब यहाँ पर क्या करें इसको पहले समझाते हैं, समझ रहे थे अब एक लाइन करके आपको दिखाते हैं लाइन टू लाइन। देखिए अब हम क्या करें यहाँ पर सेटेड रिंग अनसेटेड रिंग साथ लिया और इस पर देखिए सिंगल फेज का वाइंडिंग किया और फेज को कौन डिफरेंस किया, फेज में डिफर किया कॉपर इंडक्टिव वाला जो कॉपर का शॉर्ट सर्किट रिंग था वो फेज डिफरेंस किया, ये क्योंकि कॉपर का रेजिस्टेंस कम और इंडक्टिव ज्यादा होता है। आप जानते हैं कि इंडक्टर में यानी प्रेरकत्व में क्या होता है करंट क्या होता है लैग हो जाता है, एक बात समझिएगा। चलिए आगे बढ़ रहे हैं हम लोग यहाँ पर ही अब लाइन टू लाइन बात करें, यह सिंगल फेज मोटर है जिसे पोल के सिरों पर रिंग लगाकर फेज को विभाजित किया जाता है और टॉर्क उत्पन्न किया जाता है। ये बात है फेज की, ये सिंगल फेज है इसके रिंग क्या होता है इसके पोल पर सिरों पर क्या रिंग लगाकर कॉपर का रिंग लगाकर इसके फेज में क्या क्या डिफरेंस कर दिया और फेज डिफरेंस करने की क्यों किया क्योंकि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा करना था। ये समझ आपको यहाँ पर फर्क ज्यादा मिलेगा और ये देखिए कलर चेंज करते हैं भाई, ये अनसेटेड पार्ट में ज्यादा फर्क मिलेगा और सेटेड पार्ट में कम फर्क मिलेगा। अब सोचिए इधर ज्यादा कम मिलेगा इधर कम मिलेगा ज्यादा मिलेगा, ये जो बनेगा ऐसा बनेगा इसको ऐसा बनेगा जिसमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण हो जाएगा और ये क्या घूमने लगेगा। दूसरी बात दूसरा लाइन देखिए एक एक करके आपको समझा आपको लिखना भी है कराया कि इस मोटर में स्पाइरल केज रोटर होता है, हमने पहले ही कहा क्या होता है स्पाइरल केज रोटर होता है, ये कह रहा है सेलिएंट पोल मेन पोल के अतिरिक्त पोल शू कि 1/3 भाग में कम रेजिस्टेंस का शॉर्ट सर्किट कॉपर रिंग डाल जाता है। हमने कहा पोल शू यानी पोल शू को काट दिया कितना 4:1 के रेशियो में, तो तीन भाग को खाली छोड़ दिया और जिस भाग को खाली छोड़ा उसको क्या बोलेंगे अनसेटेड बोलेंगे और जिस पर रिंग लगा गए उसको सेटेड बोलेंगे, सेटेड बोलेंगे ठीक है। और ये सेटेड पोल पे कॉपर रिंग इसमें निकालने वाले फ्लक्स का क्या करता है विरोध करता है मेन फ्लक्स को कमजोर कर देता है किस साइड अनसेटेड वाला है जिस साइड कॉपर का रिंग लगा हुआ उस साइड। तो ऐसी स्थिति में एक रोटेटिंग मैग्नेट फील्ड टॉर्क पैदा हो जाता है, ध्यान दीजिएगा और टॉर्क की वजह से क्या होता है ये लेंज लॉ के अकॉर्डिंग क्या करता है इसका विरोध करता है मेन फ्लक्स का और ये क्या होता है रोटेटिंग मैग्नेट फील्ड पैदा हो जाएगा और रोटर क्या करेगा घूमने लगेगा। ये याद रखिए 1/3 भाग पर क्या जाता है कॉपर रिंग, कॉपर रिंग का रेजिस्टेंस कम होता है और इंडक्टेंस उच्च होता है, ये पूछा जाएगा आपसे ठीक है। और कहा है कि इस शॉर्ट सर्किट की मोटी कॉपर रिंग को सेडेड रिंग तथा इसको सेडेड पोल मोटर के नाम से जानते हैं, क्यों ये जो कॉपर रिंग लगाए सेडिंग वाला ये सेडिंग पोल लगाने के कारण नाम क्या पड़ गया सेडेड पोल मोटर हो गया, क्या हो गया सेडेड पोल मोटर। चलिए ये बात है उसके बाद इस प्रकार के फील्ड में एक रोटर रखा जाता है, रोटर रखा जाता है तो वह रोटर अनसेडेड से सेडेड भाग की तरफ घूमता है। हमने क्या कहा कि सेडेड वाला का फ्लक्स मजबूत है अनसेडेड वाला का और सेडेड वाला कमजोर है, तो अनसेडेड वाला अपने तरफ खींचेगा तो ये अपने तरफ खींचेगा ये घूमेगा किधर घूमेगा अनसेडेड से सेडेड पोल की तरफ, अनसेडेड से सेडेड पोल की तरफ घूमेगा। दूसरा बात करें इसमें ध्यान दीजिए इसका उपयोग कहां किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसका उपयोग कहां किया जाता है, लिखा है कि कम स्टार्टिंग टॉर्क और कम पावर फैक्टर की वजह से क्योंकि स्टार्टिंग टॉर्क इसका बहुत कमजोर होता है तो स्टार्टिंग टॉर्क कमजोर होता है तो कमजोर जगह पर करेंगे जब कम बल लगने वाला हो तो कहां होता है, देखिए इसका एफिशिएंसी अच्छा नहीं होता है। सबसे पहली बात इन्हें छोटे पंखे ध्यान दीजिएगा इसे छोटे पंखे खिलौने हेयर ड्रायर विद्युत घड़ी विज्ञापन डिस्प्ले फिल्म प्रोजेक्टर और रेडियो प्लेयर ग्रामोफोन और फोटोकॉपी मशीन में जो मोटर लगाता है वहाँ इत्यादि में किया जाता है। देखिए कहाँ सबसे ज्यादा हेयर ड्रायर में किया जाता है ये देखना आप एकदम देखिए इसको देखिए एकदम ये बहुत एक्सपर्ट है अपने आप में नौकरी होगी ऐसी पत्नी हेयर ड्रायर के साथ साथ ये स्ट्रेचिंग भी करेगी इसको देखिए लगता है बहुत से आई सबसे को पता नहीं है इसमें क्या है कि टेम्परेचर कम ज्यादा किया जा सकता है एकदम लगा जोर से लगा फुल फुल टू फुल हेयर ड्रायर कर दिया फुल हीट पर टेम्परेचर कर दिया सबसे के दिख रही थी सुनिए बन रही इसका नहीं पहचानेगा कि हेयर ड्रायर में तो इसको पता नहीं चलेगा ठीक है ना इसको देखिए एकदम चला एकदम मुंह पे इसको नहीं लग रहा है ऐसा मुंह में मार रही है इसको पता नहीं लगता है जाएगा मोस्ट जाएगा चक्कर में जग जाएगा। तो कहने का मतलब देखिए ये हेयर ड्रायर इसमें जो हेयर ड्रायर होता है ये जो कूलिंग हीटिंग देता है इसके अंदर एक मोटर लगा होता है उसमें कौन सा मोटर लगा होता है सेडेड पोल मोटर। याद रखिएगा इसका रोटेशन का भी चेंज नहीं होता रोटेशन चेंज करेगा भी क्या इस हिसाब से क्या करना है बाल को सुखाना है तो हवा बाहर आना चाहिए तो बाहर अंदर पूरी चाहिए इसमें डायरेक्शन बदलेंगे हम नहीं बदलेंगे तो किसी करने जाए हेयर ड्रायर हेयर ड्रायर में ये ठीक है। दूसरा देखिए ये खिलौना वाला कार है इसमें जो मोटर लगा है इलेक्ट्रिक कार बैस बनते हैं उसमें क्या करते हैं एकदम बयान में पूरा फुल स्पीड में चल रहा है देखिए इसमें खिलौना में फिर चलाएगा खोल रहा है अरे छोटा नहीं खर्चा पानी करता है देखिए ये जो मोटर होते हैं इलेक्ट्रिक वाले छोटे छोटे खिलौने में प्रयोग किए जाते हैं और फोटोकॉपी मशीन जो देखते हैं आप ये जो फोटोकॉपी मशीन जो घर रहता है उसमें लगा होता है ना सेडेड पोल मोटर लगा होता है याद रखिएगा कहा कि सेडेड पोल मोटर 15-60 वाट बताओ 15-60 वाट का मोटर होगा तो कहाँ प्रयोग कर सकता है ट्रेन में थोड़ी प्रयोग कर सकता है कार में बड़ा कार में थोड़ी प्रयोग कर सकते हैं बड़ा कार में छोटे कार में प्रयोग होगा खेलने वाला देखने वाला नहीं कहा कि इसका एसपी में बात करें 1/250 एसपी बताओ यार
जब बिकेगा तो खिलौना में जब बिकेगा प्रयोग करने के लिए तो कौन सा सेलेट पुल मोटर। अब हेयर ड्रायर की बात करें तो हेयर ड्रायर में इसका प्रयोग किया जाता है, लेकिन अगर आगे चलेंगे तो जो बड़े वैल्यू कागज में हम लोग यूनिवर्सल का प्रयोग करते हैं, लेकिन आपको जब हेयर ड्रायर क्वेश्चन में पूछेगा वो खिलौना में पूछा जाए, ठीक है भाई। और विद्युत घड़ी, बिजली घड़ी होती छोटी वाली, उसमें प्रयोग करते हैं फोटो कॉपी मशीन में, इस समय प्रयोग करते हैं किसका, सेलेट पुल मोटर। समझते सुनो भाई, चलिए आगे बढ़े। अब हम लोग बात करें ये तो सेलेट पोल मोटर के आधार पर क्या कर दिया, इसे फेज डिफरेंस कॉपर रिंग लगा करके, और कॉपर रिंग लगाने के बाद आपने रोटेशन आरएमएफ का उत्पन्न कराया और रोटर क्या घुमा दिया, और इसमें कोई चेंजिंग वेंजिंग की व्यवस्था नहीं थी। अब हम लोग बात करें स्प्लिट फेज की, फेज विभाजन के आधार पर कैसे इसमें फेज डिफरेंस पैदा किया जाएगा, और फेज डिफरेंस पैदा करने के बाद इसमें कैसे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा किया जाएगा। आइए सबसे पहले स्प्लिट फेज में जो लोग बात करें, स्प्लिट फेज का मतलब समझेगा कि यानी सिंगल फेज का ही वाइंडिंग है, लेकिन उसमें दो वाइंडिंग कर दिया, सिंगल फेज को विभाजित कर दिया, स्प्लिट मतलब विभाजन कर दिया। देखिए यहाँ पर आपका ये क्या है, दो वाइंडिंग है, जैसे यहाँ पर आपको दिखाते हैं, ये मतलब सिंगल फेज से आपको मिलता है, इधर भी क्या वाइंडिंग कर दिया, इधर भी वाइंडिंग कर दिया, ठीक है। अब करंट जो था इसमें भी जाएगा, अब इसमें भी जाएगा, करंट को दो रास्ता मिल गया, करंट सिंगल फेज था, इधर भी विभाजित कर दिया, इधर भी विभाजित कर दिया, आप दोनों में विभाजित कर दिया तो क्या कर दिया, दोनों में विभाजन करने का मतलब है दोनों में फेज डिफरेंस पैदा करना, क्या करना, फेज डिफरेंस पैदा करना। तो फेज डिफरेंस पैदा करने का मतलब ये हुआ, इस तरह से वाइंडिंग किया जाता है, इलेक्ट्रिकली कितने डिग्री पर, 90 डिग्री, याद रखिए इलेक्ट्रिकली 90 डिग्री। तो इलेक्ट्रिकली 90 डिग्री पर जो फेज स्प्लिटिंग की बात करें, इसमें देखिए इसमें होता है सेंट्रीफ्यूगल स्विच, यहाँ पर क्या होता है सेंट्रीफ्यूगल स्विच, यानी आपके अंदर स्विच, ये कैसे काम करता है हम आपको बताएंगे। आपके अंदर स्विच क्या करते हैं, आपके अंदर स्विच लगाते हैं, आपके अंदर स्विच लिमिटिंग पर काम करते हैं, इसमें दो वाइंडिंग है, इसमें मेन करंट आई है, और ये जो इसमें आया तो ये वाला एक होता है मेन वाइंडिंग, इसका क्या करते हैं रोटर, ये रोटर कुछ प्रकार होता है भाई, स्पाइरल केज वाला, कौन सा, ये रोटर है और ये स्पाइरल केज रोटर है, समझ आप, ये अपना स्टेटर पर ये वाइंडिंग किया जाता है, ये स्टेटर पर किया जाता है, ध्यान दीजिएगा इसमें दो वाइंडिंग है, दोनों का नाम अलग अलग है, एक का नाम होता है मेन वाइंडिंग, क्या होता है मेन वाइंडिंग, या इसी को हम लोग कहते हैं रनिंग वाइंडिंग, रनिंग वाइंडिंग, मेन वाइंडिंग या रनिंग वाइंडिंग, क्यों कहते हैं मेन वाइंडिंग रनिंग वाइंडिंग, अभी हम देखेंगे। और दूसरा है स्टार्टिंग वाइंडिंग, क्या है, या ऑक्सिलरी वाइंडिंग कहते हैं, क्या ये स्टार्टिंग वाइंडिंग है, ध्यान दीजिएगा ये जो अपना दूसरा वाला है वो स्टार्टिंग वाइंडिंग है, स्टार्टिंग वाइंडिंग कितने वाइंडिंग है भाई, दो वाइंडिंग, जो इलेक्ट्रिकली कितने डिग्री पर है, 90 का मतलब ये नहीं कि 90 डिग्री पर खड़ा कर दिए, 90 डिग्री खड़ा नहीं, इसके करंट और वोल्टेज की बात करें तो इसमें इसका फेज डिफरेंस होना चाहिए कितना, 90 डिग्री का फेज डिफरेंस, इसका मतलब ये है ऐसा विभाजन करिए ये ऐसा इसका डिफरेंस होना चाहिए, इसमें 90 डिग्री डिफरेंस है, ये आपको मेसी में समझाए थे कि कैसे डिफरेंस होता है फेज डिफरेंस में, ये ना तो ये डिफरेंस होना चाहिए, ये जीरो से चला मैक्सिमम पर ये चलना चाहिए, जब मैक्सिमम 90 पर एक चीज चल जाएगा वोल्टेज तो करंट चलना चाहिए किस पर, जीरो से चालू होना चाहिए, तब करंट और वोल्टेज में डिफरेंस हो जाएगा किसका, 90 डिग्री का, यानी फेज डिफरेंस होना चाहिए। इसलिए कहते हैं इसमें जो वाइंडिंग किए जाते हैं दोनों वाइंडिंग इलेक्ट्रिकली 90 डिग्री फेज डिफरेंस में किए जाते हैं, फेज डिफरेंस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि फेज डिफरेंस होगा तो कभी इसमें प्लस होना चाहिए, कभी इसमें होना चाहिए, तब यहाँ प्लस बनेगा, यहाँ प्लस बनेगा, तो घूमता हुआ चलेगा जी, मान लीजिए इसमें का सप्लाई आता फेज डिफरेंस, मतलब इसमें सप्लाई तो प्लस इसमें बनेगा, आज देखिए जैसे जैसे अपना ये मैक्सिमम हो रहा है, फिर मिनिमम होगा, फिर मैक्सिमम होगा, यहाँ मैक्सिमम हो इसमें प्लस होना चाहिए, और यहाँ मैक्सिमम हो इसमें प्लस होना चाहिए, मतलब यहाँ प्लस हो फिर यहाँ, ये प्रक्रिया बार बार दोहराता रहेगा तो घूमता हुआ चलेगा क्या बनेगा होगा, समझिए बात। अब देखिए सबसे पहला बात इसमें सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगाया गया है, तो ये जो ये क्या स्टार्टिंग वाइंडिंग है, स्टार्टिंग वाइंडिंग के नाम से स्पष्ट होता है, ये स्टार्ट करने में मदद करता है, और जब स्टार्ट हो गया आपका मोटर तो इसको आप खोल सकते हैं, इसको खोल आपका स्टार्ट हो गया, हाथ देखकर नहीं खोलेगा, वो अपने आप खुलने का जुगाड़ना चाहिए, ये होता है सेंट्रीफ्यूगल स्विच, यानी आपके अंदर स्विच, देखिएगा देखिए ये जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच है, ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच कैसे काम करता है, कैसे खुल जाता है, या तो स्टार्ट करने का ऐसा नहीं कि हाथ से खोल दे, नहीं अपने आप खुल जाता है, ऐसे खुलता है, ध्यान दीजिएगा, हमने कहा कि ये क्या करना है, एक रिंग ले लीजिए और रिंग में चाबी घुसा दीजिए, आप उंगली में आराम से घुमाइए, अगर आराम से घुमाइएगा चाबी कहाँ है, नहीं देखें, और फिर थोड़ा अधिक और घुमाएगा, थोड़ा चाबी और दूर घूमेगा, फिर अगर थोड़ा घुमाएगा तो चाबी पूरा सीधा घूमेगा, ज्यादा और जोर से घुमाएगा चाबी करके बाहर आ जाएगा, बाहर क्यों जाएगा भाई, क्योंकि इसमें क्या होता है केंद्र से बाहर की तरफ बल लगता है, क्या केंद्र से बाहर की तरफ बल लगता है, जो आपको क्या केंद्र की तरफ बल कम लगा इसलिए चाबी क्या हुआ आपके केंद्र से बाहर की तरफ फेंका गया ना, वही काम क्या होता है जब ये 75% पकड़ लेता है तो इसका जो ये जो स्पीड का स्विच है इसी के स्पीड की वजह से क्या होता है ये खुल जाता है, और ये खुला हुआ है कब तक, जब तक ये स्पीड चढ़ा होता है, जैसे ये स्थिर होकर स्थिर हो जाएगा फिर वो क्या स्विच इसमें क्लोज हो जाएगा, तो कहने का मतलब दो वाइंडिंग होती है इसमें, एक कौन सा स्टार्टिंग वाइंडिंग और एक रनिंग वाइंडिंग, क्वेश्चन क्या पूछता है स्प्लिट फेज में जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा होता है वो कौन सा वाइंडिंग के साथ लगा होता है भाई, ये स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, ये जो स्प्लिट लगा हुआ है सेंट्रीफ्यूगल स्विच वो स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में लगा हुआ है, करा कि जब 75% स्पीड पकड़ लेता है तो सेंट्रीफ्यूगल स्विच क्या होता है काम करना ये ओपन हो जाता है, और सिर्फ क्वेश्चन कौन सा वाइंडिंग काम कर रहा होता है ये आपका रनिंग वाइंडिंग, स्टार्टिंग वाइंडिंग क्यों काम करता है, स्टार्टिंग वाइंडिंग इसमें टॉर्क पैदा करने के लिए प्रयोग किया जाता है, टॉर्क मतलब इसमें घूमने के लिए बल, तो कहने का मतलब इसमें फर्स जाएगा, इसमें फर्स जाएगा तो स्टार्ट जब करेगा तो स्टार्ट होने के बाद जब रनिंग में चला जाएगा इसे कम करके आवश्यकता पड़ेगी, तो ये पॉइंट क्यों लगाएगा इसमें भाई, एक्स्ट्रा का एनर्जी खपत करने के लिए सिर्फ और सिर्फ काम करता है मेन वाइंडिंग, यानी मेन वाइंडिंग यानी रनिंग वाइंडिंग कहते हैं, ठीक है, तो क्या देखे कि दो वाइंडिंग 90 डिग्री इलेक्ट्रिकली वाइंडिंग किया जाता है फेज डिफरेंस पैदा करने के लिए, फेज अंतर पैदा करने के लिए, फेज को विभाजन कर दिया और स्टार्टिंग वाइंडिंग में क्या लगा दिया एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा दिया। अब ये यहाँ पर बात किए देखिए यहाँ पर फेज डिफरेंस है कि नहीं, इसके बीच देखिए ये देखिए यहाँ से यहाँ ये वोल्टेज है और ये करंट है, इसके बीच में डिफरेंस 90 डिग्री का और इलेक्ट्रिक निकला आई बढ़ा है, ठीक है, टोटली सीधा सा बात है तो फेज डिफरेंस पैदा करने के लिए सिंगल फेज के वाइंडिंग को दो फेज में डिवाइड कर दिया 90 डिग्री पर इलेक्ट्रिकली कर दिया, ठीक है, और स्टार्टिंग वाइंडिंग का इसमें निर्माण हो गया, तो दो वाइंडिंग होगा, दोनों वाइंडिंग में फेज अलग होगा तो जो ईएमएफ बनने का तरीका होगा वो अलग होगा, समझ लें आपको इसमें क्या पैदा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाएगा और रोटर क्या करेगा काम कर लेगा घूम लेगा। आइए इसको आराम आराम से इसके टोटली लाइन टू लाइन देखें, समझने की तो बहुत सारी बात लिखना पड़ता है लोगों को, लिखना भी बहुत जरूरी है ना, देखिए कह रहा है कि ये आपका स्प्लिट फेज मोटर है, इसका जो रोटर होता है स्क्वायर केज रोटर होता है, हमेशा याद रखिएगा कौन सा स्क्वायर केज रोटर, स्क्वायर केज का मतलब क्या, इसमें रोड वाला होता है, रोड देकर के और दो साइड से ज्यादा इंडरिंग से शॉर्ट किया जाता है, आपको टोटली बताया हम आपको,
ठीक है। अब क्या है कि जो एस्टेटर में दो वाइंडिंग होता है, कौन वाइंडिंग होता है, दो वाइंडिंग है ना, दो वाइंडिंग ये वाला और ये वाला, कह रहा है कि एक दूसरे से इलेक्ट्रिकल कितने डिग्री पर किया था भाई, 90 डिग्री पर। फेज डिफरेंस पैदा करना है क्योंकि फेज डिफरेंस पैदा नहीं होगा तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगा, यानी घूमता हुआ चुंबक क्षेत्र का युग्मक नहीं होगा। कह रहा है कि रोटर में दो वाइंडिंग हुआ, दोनों कितने डिग्री पर हुआ, इलेक्ट्रिकली 90 डिग्री पर है, 90 डिग्री पर दिख भी रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, इलेक्ट्रिकली किया जाता है। इसमें अलग रखिए, कहा जब मोटर 75% स्पीड पर लेता है तो क्या होता है, एक वाइंडिंग परिपथ से अलग हो जाता है। कैसे अलग होता है, ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच अलग होने का मतलब डिस्कनेक्ट होना, अलग होने का मतलब ये नहीं कि उठा के दूसरी जगह रख देंगे इसको, ये जुड़ा रहेगा लेकिन इसका कनेक्शन कट जाएगा, ठीक है। कहा जिसे स्टार्टिंग वाइंडिंग कहते हैं, जो अलग हो जाता है उसे क्या कहते हैं, स्टार्टिंग वाइंडिंग, किसके बाद सेंट्रीफ्यूगल स्विच के बाद। अरे समझ आपको, आइए अब आगे क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि दूसरी वाइंडिंग जो हमेशा परिपथ के साथ यानी इस सर्किट के साथ जुड़ा रहता है उसे क्या कहते हैं, रनिंग वाइंडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, रनिंग वाइंडिंग कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, रनिंग वाइंडिंग। और कह रहा है कि इंडक्टिव प्रभाव उत्पन्न करने के लिए, हमने क्या कहा कि इंडक्टिव प्रभाव अगर उत्पन्न करना है तो क्या करना है कि उत्पन्न करने के लिए रनिंग वाइंडिंग को गहराई में रखा जाता है। इस वाइंडिंग में करंट वोल्टेज से 90 डिग्री लग करता है, करंट वोल्टेज से 90 डिग्री लग करता है। अब सीधी सीधी बात आपको बताने जा रहा है, देखिए ये जो अपना वाइंडिंग होता है, ये जो एक्चुअली हम लोग फैन देखेंगे, देखिए फैन में क्या होता है, फैन वाला जो स्टेट होता है ऐसा होता है, इसमें बाहर में भी क्या होता है, होल होता है इसे, और ये आपका साफ रहेगा और यहाँ पर भी इस नीचे में होल रहेगा, दो वाइंडिंग होता है, ध्यान दीजिएगा। यानी इसी को आप यहाँ पर वाइंडिंग किया, इसको ऐसे आप बनाइए, यहाँ पर देखिए एक होता है अंदर में वाइंडिंग ऐसे, इसमें और बाहर में होता है, देखेंगे आप लोग, ठीक है। देखिए ये मान लिया अंदर में सबको यहाँ पर लिया, इसको जोड़ दीजिए, तो ये देखिए दो वाइंडिंग है, एक बाहर में एक अंदर, तो ये अंदर में जो है ये सांप के नजदीक में है जी, सांप के नजदीक में है, यानी सेंट्रल में गहराई में, और ये बाहर बाहर में मतलब क्या परिधि के साइड साइड वाला, तो कहने का मतलब साइड वाला कैटर्न की संख्या, इसका रजिस्टेंस क्या होगा, अधिक होगा, एकदम ध्यान दीजिएगा कि ये बाहर वाला जो होता है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टार्टिंग वाइंडिंग कहते हैं। क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग वाइंडिंग के लिए आप याद रखिएगा, हमने कहा था कि स्टार्ट करने के लिए आपको टॉर्क को बढ़ाने के लिए रजिस्टेंस अधिक होना चाहिए, रजिस्टेंस अधिक होना चाहिए, तो कह रहा है जो बाहर में उसका रजिस्टेंस अधिक है और अंदर में रजिस्टेंस कम है, क्योंकि अब जब स्पीड हो जाएगा और बाहर वाला यानी कि स्टार्टिंग कॉइल हट जाएगा, सिर्फ रनिंग कॉइल काम करे, रनिंग कॉइल तो जब स्पीड हो जाता है, कोई भी गाड़ी हो या साइकिल हो या बाइक हो या कोई मशीन हो, स्पीड होने के बाद से लगातार होने के लिए बहुत कम बल की आवश्यकता पड़ती है, आप लोग प्रैक्टिकली देखेंगे किसी भी जगह रहेगा। तो क्या है, इसलिए कह रहा है कि इसमें जो वाइंडिंग किया होता है ना, इंडक्टिव प्रभाव उत्पन्न करने के लिए रनिंग वाइंडिंग को गहराई में किया जाता है, रनिंग वाइंडिंग को गहराई किया जाता है इंडक्टिव के लिए, कम जब इंडक्टिव है तो रजिस्टेंस कम होगा, सीधी बात है, जब रजिस्टिव है तो टॉर्क पैदा करने के लिए बाहर वाला होगा, एकदम इसका वाइंडिंग करंट वोल्टेज से, मतलब इसके अंदर में जो वाइंडिंग है इसमें जो है करंट इंडक्टिव है, इंडक्टिव मतलब प्रेरणीय है, तो प्रेरक तुम्हारा याद है भाई, बताते इसी बात से बताए थे, इसमें क्या है वोल्टेज आगे जाता है और करंट उलझ जाता है, यानी डिफरेंस हो जाता है, पीछे हो जाता है, किसे वोल्टेज से कितना डिग्री भाई, 90 डिग्री, समझे बात को। तो क्या कह रहा है, इंडक्टिव प्रभाव उत्पन्न करने के लिए इसे गहराई में किया जाता है, गहराई का मतलब समझ लेना सेंटर में एनर्जी, तो याद रखिएगा एक लाइन समझिए, पूरा पूरा जो गहराई में किया जाता है उसका इंडक्टिव यानी उसका इंडक्शन यानी प्रेरणीय है, प्रेरक अधिक होता है, जो बाहर होता है उसका रेजिस्टेंस अधिक होता है, क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग करने के लिए रेजिस्टेंस अधिक चाहिए रोटर में, आपको पता है, और अधिक होना चाहिए इसका मतलब क्या होगा, अधिक होने के लिए रेजिस्टेंस बढ़ाने से टॉर्क पड़ेगा, आपको शुरू में बताएं कि टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, उसके रेजिस्टेंस के, समझिए। आगे देखिए क्या कह रहा है, एक एक समझिए, एक लाइन को पूरा इंपॉर्टेंट लाइन आपको लिखा है भाई, सब कह रहा है कि स्टार्टिंग वाइंडिंग स्लॉट के सिरों के नजदीक होता है भाई, स्लॉट के सिरों के नजदीक है, सही बात है, ये नजदीक है, कह रहा है इसकी रेजिस्टेंस अधिक होती है, स्लॉट के सिरों के नजदीक की बात करें, और कह रहा है कि इंडक्टेंस कम होता है, किसका, जिसका इंडक्टेंस जो स्टार्टिंग वाइंडिंग की बात कर रहे हैं, समझेगा, स्लॉट के नजदीक मतलब ये साइड वाला है ना, ये स्लॉट जहां पर है, स्लॉट मतलब उसके नजदीक बारिश में, इसका क्या क्या भाई, हमने पहले कहा कि इसका जो होता है रेजिस्टेंस, ये लिखा होगा कि इसकी रेजिस्टेंस अधिक होती है और इंडक्टेंस कम होता है, स्टार्टिंग वाइंडिंग का चर्चा दोबारा ये कर रहे थे, स्टार्टिंग वाइंडिंग का रेजिस्टेंस क्या अधिक है, इंडक्टेंस कम है, और जो रनिंग वाइंडिंग है इसका इंडक्टेंस अधिक है और रेजिस्टेंस कम है। चलिए आपको समझ में आ गया, आपको एक चीज हम चर्चा कर चुके हैं, आइए इसको नोट करिए, चले आगे बढ़े, एक चीज हुआ कि स्टार्टिंग वाइंडिंग में टर्न की संख्या अधिक अधिक टर्न होगा, हमने क्या कहा, याद रखिएगा अगर फिगर आपको बनाना पड़े तो यहाँ पर जैसे इसको बनाना, याद रखिए इसमें जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है इसमें टर्न अधिक दीजिएगा, मान लीजिए ऐसा भी फिगर आपको कभी मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, तो इसका जो होगा, मान लीजिए ऐसा होगा, जब ये स्टार्टिंग वाइंडिंग टर्न की संख्या अधिक होगा और इधर से अपना क्या करना है, रनिंग वाइंडिंग बनाना है, रनिंग वाइंडिंग टर्न की संख्या कम होगा, ये आर रनिंग वाइंडिंग, ये स्टार्टिंग वाइंडिंग, इसके अंदर रोटर, इसमें टर्न की संख्या टी यू आर एन, टर्न टर्न क्या है कम है, रनिंग वाला में स्टार्टिंग वाला में टर्न क्या है अधिक है, ठीक है, और ये अपना क्या है रोटर है, समझ गए, यहाँ पर बनाया उस हिसाब से आप याद रखिएगा, लिखा हुआ है ना, अधिक टर्न रनिंग वाइंडिंग में कम टर्न होता है, रनिंग वाइंडिंग में कम टर्न, रनिंग वाइंडिंग में होता है तो परिधि सेक्टर के नजदीक होगा तो कम गोलाई में भी करना पड़ेगा, इसलिए कम टर्न रहेगा, स्वाभाविक सी बात है उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, टर्न की संख्या भी कम होगी, ठीक है, ये क्या है, ये इसको नोट कर लीजिए, चलिए देखिए अब ये कह रहा है कि इसके टॉर्क की बात करें, तो टॉर्क की बात क्या होता है, एकदम लाइन बारे समझिएगा कि किसे पूछा जाता है क्वेश्चन, स्पीड फेस का जो आपका मोटर है उसका टॉर्क जो होता है, स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है वो फुल लोड टॉर्क का कितना है, 150 से 200% होता है, कहने का मतलब जो रनिंग टॉर्क है वो स्टार्टिंग का इतना परसेंट होता है, तो मतलब स्टार्ट में वो जब जो रनिंग में चल रहा होता है, फुल लोड पर चल रहा होता है, उस स्थिति में करा फुल लोड का 150 से 200% होता है, परसेंटेज में बात करेंगे तो, अगर करा इसकी स्टार्टिंग करंट की अगर बात करें, स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा करंट लेता है, पता है ना आपको, कोई भी मोटर कोई भी मशीन जो आपका स्टार्ट होता है मोटर, वो स्टार्टिंग में क्या करा है, 6 से 7 गुना लेता है, जब रनिंग में, कहने का मतलब है अगर रनिंग में 5 एम्पीयर पे चल रहा है ना, तो इधर स्टार्टिंग में ज्यादा लेता है, समझिएगा बात, स्टार्टिंग करंट 6 से 7 गुना अधिक होता है, समझे बात को, आइए दूसरी बात क्या करा है इसमें, कि ये जो मोटर है ये 1/8 HP से 3/4 HP, इसको आप क्या कर सकते हैं, 7/46 में से भाग दीजिए, जितना वाट आएगा वाट में भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक केस में 7/46 और 7/46 में 8 भाग दीजिए तो आपको निकालिएगा कितने कितने वाट के बनाए जाते हैं, कौन स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर, यानी फेज विभाजन कला वाला जो मोटर हम लोग आ रहे हैं अभी, ठीक है, कहने का मतलब करा है, इसका एप्लीकेशन कहाँ करते हैं, सर इसका एप्लीकेशन कहाँ करते हैं, इसके लिए जाने के लिए आप देखिए, इसका स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है, कम होता है, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि स्टार्टिंग टॉर्क इसके कम होता है, क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस और इसके जो करंट डिफरेंस का बात है वो क्या है, फेज डिफरेंस होता है, लेकिन इसमें कोई एक्स्ट्रा पावर नहीं होता है, रोटेटिंग यानी कि टॉर्क जो है, बड़ा घोर जो है वो अधिक हो स्टार्टिंग में, ये कमजोर टॉर्क होता है और ये स्टार्टिंग बहुत अधिक करंट लेता है, इसलिए क्या होता है, इसका पावर फैक्टर जो होता है 0.3 से लेकर 0.4 होता है, क्या पावर फैक्टर 0.3 से 0.4, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, समझ गए, ये पूछेगा स्पीड मोटर का पावर फैक्टर लगभग कितना होता है, 0.3 से 0.4, ये पावर फैक्टर भी कम होता है, स्टार्टिंग टॉर्क भी कम होता है और स्टार्टिंग में करंट भी अधिक लेता है, इसलिए इसका उपयोग अधिकतर किया जाता है ड्रिल मशीन, ग्राइंडर, ब्लोअर, फ्लिकिंग लाइट,
देखिए ड्रिल मशीन तो आप देखेंगे ड्रिल मशीन में किया जाता है, दूसरा क्या है वाशिंग मशीन में, वाशिंग मशीन में इसका उपयोग किया जाता है वहाँ पर ज्यादा लोड की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा ब्लोअर में क्या है, ब्लोअर समझते हैं, ब्लोअर देखेंगे आप मूवी वगैरह में जो एकदम पंखुड़ी और फूल एकदम हीरोइन की बाल जो लहराते रहता है वहाँ पर कोई संबंध का हवा नहीं चलता हमेशा, तो उसके पीछे ब्लोअर लगा होता है समझे ना, उसमें फूल पत्ती लगा करके पूरा गाने में एकदम देखेंगे आप एकदम पूरा बाल लहरा रहा है, क्या कहते फूलों की पंखुड़ियां उड़ रही है, वो जो आपको लगाता हुआ बाल नजर आता है ना, तो ऐसा नहीं है एकदम सेटिंग नहीं है कि जिसमें नाचेगी डांस करेगी उसमें हवा फूल पत्ती आए, तो ब्लोअर लगाया होता है, उसमें भी क्या करते हैं हम सिंगल पेज स्प्लिट मोटर का प्रयोग करते हैं। दूसरा ब्लोअर छोटा भी होता है, वही नहीं होता है बड़ा सा ब्लोअर होता है, छोटा ब्लोअर भी होता है हवा देने के लिए, ठीक है। फ्लिकरिंग लाइट, फ्लिकरिंग लाइट का मतलब क्या होता है, हम अभी तो आजकल फ्लिकरिंग लाइट का ऐसा प्रयोग नहीं होता है, एक ऐसा इस पर ना लगाया जाता है यहाँ पर एक मोटर लगाया जाता है और इसमें सारे तार लगाए जाते हैं, ठीक है, इस पर एक क्या किया लगा दिया जाता है यहाँ से और एक मोटर फिट किया जाता है, तो ये जब घूमता है ना तो ये ऐसे चलता है, ठीक है, तो इसमें लग जाएगा इसमें लग जाएगा चलेगा, तो इसमें लग जाएगा इसमें मतलब बारी बारी से इसमें लग जाएगा और इसमें जो लगा हुआ ना लाइट इसमें लाइट बारी बारी से फ्लिकिंग मतलब बारी बारी से चलेगा, समझ गए। शादी ब्याह में, शादी ब्याह में देखेंगे पहले जो एक टेंट लगाया जाता था, आजकल तो क्या हो गया आपका एलईडी बल्ब आ गया है डिजिटल सिस्टम आ गया, तो पहले क्या होता था ना कि पूरा सेटिंग किया जाता था, तो बल्ब जो जाता था ये राउंड जो घूमता था तो उसमें पहले मोटर लगाया जाता था, ठीक है, उसके सप्लाई को हर बार चेंजिंग करने के लिए से ड्रम स्विच आ गया उनके नाम से जानते हैं उसको, उसमें जो मोटर लगा होता है ना वहाँ पर भी प्रयोग किया जाता है स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर का, ठीक है, तो क्या है ये ब्रॉड समझ गए, लेकिन लाइक समझ इस तरह के लोड जहाँ पर भी होते हैं यहाँ पर प्रयोग किया जाता है स्प्लिट फेज मोटर का, ठीक है, ये था अपना स्प्लिट फेज मोटर। अगर आगे चले तो बात करते हैं आप इसके बाद आते हैं ध्यान दीजिएगा। अब देखिए इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या कैपेसिटर मोटर, अब क्या कर रहे थे पहले तो फेस को स्प्लिट करके अभिवादन करके सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा करके हम काम कर रहे थे, फिर क्या हुआ डेवलप हुआ, डेवलप होने के माध्यम से क्या कहा कि अब जो है ना आपको बार बार ये स्विच खोलना लगाना जरूरी नहीं है, तो क्या कहते हैं कैपेसिटर मोटर का प्रयोग किया, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कैपेसिटर मोटर में क्या होता है ध्यान, इसमें भी दो वाइंडिंग होते हैं, दो वाइंडिंग क्या है, एक होता है स्टार्टिंग वाइंडिंग, एक होता है रनिंग वाइंडिंग, स्टार्टिंग वाइंडिंग को क्या बोलते हैं ऑक्सिलरी वाइंडिंग, सहायक वाइंडिंग बोलते हैं और रनिंग वाइंडिंग को मेन वाइंडिंग बोलते हैं, मेन वाइंडिंग इसलिए बोलते हैं कि जब तक मोटर चलेगा तब तक वही वाइंडिंग काम करेगा, देखिए ये फिगर आप देखिए ये स्टेटर पार्ट है और ये रोटर पार्ट है, इसमें दो वाइंडिंग क्या गया, एक रनिंग वाइंडिंग है एक स्टार्टिंग वाइंडिंग है, देखिए रनिंग वाइंडिंग यहाँ से पूरा कॉल करना है और स्टार्टिंग वाइंडिंग में टर्न की संख्या कम है, और इसमें क्या है स्टार्टिंग वाइंडिंग में एक कैपेसिटर लगाया, कौन सा कैपेसिटर यहाँ देखिए कैपेसिटर लगाया इस फिगर में देखिए, इसमें देखिए ये देखिए ये जो है कैपेसिटर लगाया इसमें स्टार्टिंग वाइंडिंग में, इसमें स्टार्टिंग वाइंडिंग में और इसमें यह रनिंग वाइंडिंग, ये बीच में रोटर क्या है बीच में ध्यान दीजिएगा, बीच में है रोटर, ये रनिंग वाइंडिंग या मेन वाइंडिंग, ये क्या है स्टार्टिंग वाइंडिंग है, फिगर कितना देखिएगा ये कैपेसिटर क्यों लगाए भाई वहाँ पर, तो फेज स्प्लिट कर दिया यहाँ पर क्या कर दिया कैपेसिटर लगा दिया, ध्यान दीजिएगा पिछली मोटर जो आप देख रहे थे उसमें क्या था इंडक्टिव सिस्टम का जुगाड़ था, क्या था ये इंडक्टिव वाला यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा हुआ था, इंडक्टिव होने की वजह से क्या होता था करंट जो था वो लैग कर जाता था, करंट लैग कर जाता था तो उसमें पावर फैक्टर बहुत कम हो जाता था, यानी आपको पता है कि फेज डिफरेंस होना था तो कॉस्ट हाई जो अपना होता था वो कम हो जाता था, ठीक है, इसकी वजह से वहाँ पर टॉर्क भी कम मिलता था, इफिशियंसी एनसी मोटर का रास्ता भी कम होता था, लेकिन कहा कि फेज डिफरेंस पैदा करिए लेकिन लीडिंग पावर फैक्टर होना चाहिए, पावर फैक्टर आपका अच्छा होना चाहिए ताकि लॉस क्या हो कम, ठीक है, तो पावर फैक्टर बार बार चर्चा कर रहे हैं शुरू से पावर फैक्टर को बताएं पूरा इसी सर्किट में पावर फैक्टर बताएं, इसलिए एकदम कंप्लीट एकदम याद रखिए, ठीक है, यानी समझते हैं एक बार पढ़ लीजिए फिर पढ़िए, तो क्या इसमें इसमें लगा है कहाँ याद रखिएगा, ये पूछता है कि जो कैपेसिटर मोटर है उसमें कैपेसिटर का प्रयोग कहाँ करते हैं किस वाइंडिंग में लगाते हैं, ये देखिएगा फिगर के साथ देखिएगा ये कैपेसिटर मोटर में जो कैपेसिटर का प्रयोग करते हैं वो स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में करते हैं, एक एक बात याद रखिएगा स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में करते हैं और याद रखिएगा कैपेसिटर मोटर में इसमें कैपेसिटर खुलता नहीं है, अभी कैपेसिटर आगे आएंगे कि वहाँ पर स्टार्ट कैपेसिटर होगा कैपेसिटर हटा भी देंगे, लेकिन यहाँ जो लोग कैपेसिटर पड़ रहे हैं इसको ये भी कह सकते हैं परमानेंट कैपेसिटर मोटर भी कह सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें कैपेसिटर को खुलने का कोई जुगाड़ नहीं है, कोई सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं है, कोई एक्स्ट्रा स्विच नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब ये जो कैपेसिटर मोटर है इसको परमानेंट कैपेसिटर मोटर कह सकते हैं, परमानेंट कैपेसिटर मोटर का यूज़ ना करें सर सीलिंग फैन में देखिए कंडेंसर कंडेंसर लगाते हैं तो स्टार्ट करने का कंडेंसर खोल लेते हैं, नहीं जब तक मोटर चलेगा तब तक कैपेसिटर कंडेंसर लगा हुआ है, इसका मतलब परमानेंट कैपेसिटर मोटर का मतलब सीलिंग फैन में प्रयोग, एक एग्जांपल आपको दिखा दी, अभी काम कैसे करता है सर ये तो पहले बताइए, देखिए इसमें सबसे पहले दो वाइंडिंग स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग, स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में कैपेसिटर लगाता है, कैपेसिटर क्या करता है ध्यान दीजिएगा, आपको पता है कि अगर किसी भी सर्किट में करंट और वोल्टेज चल रहा है फेज के लिए तो क्या होता है याद रखिएगा कि करंट और वोल्टेज में, करंट और वोल्टेज में क्या होता है ये फेज डिफरेंस पैदा करता है, कैपेसिटिव बिहेवियर है, संधारित्र है इसका व्यवहार है, तो संधारित्र का व्यवहार ये कि ये क्या करता है करंट को लीड कराता है और वोल्टेज क्या होता है लैग कर जाता है, इसमें कैपेसिटर है, क्यों, ये कैपेसिटर चार्ज अपने आप स्टोर करता है भाई और अपना भी चार्ज होता है इसमें, समझे ना, तो करंट इसमें लीड करता है क्योंकि खुद का चार्ज होता है, ये चार्ज का कैपेसिटर है, तो अपना चार्ज इसका मेन काम देखिए, ये कहना कि ये काम कैसे करता है ये भी बात आपको समझा, इसमें कैपेसिटर का काम होता है कैपेसिटर चार्ज स्टोर करता है, कोई भी मोटर को चलने के लिए अधिक स्टार्टिंग टॉर्क की आवश्यकता पड़ती है, अधिक करंट की आवश्यकता पड़ती है, सप्लाई में उतना है नहीं, क्या करता है कैपेसिटर अपना चार्ज स्टोर करता है और मेन सप्लाई का देता है, अपना चार्ज और मेन सप्लाई का दोनों को लगाकर मोटर धक्का मारता है, मोटर लगता है घूमने, मोटर जब घूमने लगता है तो मोटर घूमने के बाद फैन पंखा घूमने लगता है तब इसका काम खत्म हो जाता है, खत्म हो जाता है लेकिन जुड़ा होता है सर्किट में, जब भी जब पड़ता है अपना सप्लाई स्टोर देता है, ठीक है, याद रखिएगा क्या किया करंट को लीड कर दिया, लीड कर दिया पावर फैक्टर क्या लीड हो जाएगा लॉसेस होंगे और क्या दक्षता मोटर का होगा, याद रखिएगा सिंगल फेज का जो कैपेसिटर मोटर कह सकते हैं परमानेंट कैपेसिटर मोटर कह सकते हैं, इसमें याद रखिएगा दोनों बात समझना जरूरी है, इसमें वाइंडिंग अलग किया है, स्टार्टिंग वाइंडिंग का जो इंडक्टेंस होगा वो क्या होगा ये पहली बात भी बताई थी और रनिंग वाइंडिंग का इंडक्टेंस क्या होगा ये बताई थी, स्टार्टिंग वाइंडिंग का रेजिस्टेंस क्या होता है अधिक होता है और रनिंग वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस होता है कम होता है, ये बताया जाएगा स्टार्टिंग वाइंडिंग का रेजिस्टेंस कम होता है क्यों अधिक होता है, स्टार्टिंग वाइंडिंग का पर्टल अधिक होने का मतलब उसमें टॉर्क अधिक पैदा करना, समझिए, चलिए लाइन लाइन चर्चा करें कि बहुत सारी चीजें लिखी होती है बता तो देते हैं फिर दोबारा हमको बोलना पड़ता है, ठीक है, टाइम हम लोग किल कर देते हैं, तो देखते हैं लाइन लाइन को समझते भी चलेंगे, ठीक है, स्प्लिट फेज मोटर जो है ये कि स्प्लिट फेज मोटर की तरह ये भी इसमें भी दो वाइंडिंग होते हैं, जिस प्रकार से फेज वाले वाला मोटर था उसमें भी दो वाइंडिंग था, इसमें क्या दो वाइंडिंग इसमें भी है, खास क्या बात था कि उसमें क्या था सेंट्रीफ्यूगल स्विच था जिसमें सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं है और कैपेसिटर का लगा है कैपेसिटर मोटर के सेंट्रीफ्यूगल स्विच इसमें नहीं होता है, कैपेसिटर मोटर में सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं होता है, आपको बोल दिए, दूसरा है कि फेज अंतर उत्पन्न करने के लिए इसमें स्टार्टिंग करंट स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीज में आप याद रखिए कितने माइक्रोफैराड लगाते हैं सर, आप अपने पंखा में जो परमानेंट कैपेसिटर लगाते हैं वो 2 से 2.5 माइक्रोफैराड लगाते हैं, कितना 2 से 2.5 माइक्रोफैराड याद रखिएगा 2 से 2 माइक्रो 2.5 2 से 2.5 माइक्रोफैराड लगाते हैं, किस कैपेसिटर का वैल्यू कितना 2 से 2.5 माइक्रोफैराड लगाते हैं, ये बात आपको इंपॉर्टेंट है, ये बात पूछ लिया जाता है सीलिंग फैन में कितने कैपेसिटी का आपका कैपेसिटर लगाता है, दूसरी बात ये पूछ लिया जाता है कि जो
आपका सीलिंग फैन है वो भी सिंगल फैन मोटर है, वही है ना, तो उसमें किस प्रकार के कैपेसिटी का प्रयोग करते हैं, या इलेक्ट्रिक कैपेसिटी का प्रयोग कर सकते हो, पेपर कैपेसिटी का प्रयोग करते हैं, तो अलग अलग चीज़ें होती है। तो वहाँ पर जब सीलिंग फैन की बात करें तो पेपर कैपेसिटी की बात करेंगे हम। चलिए आगे बढ़ते हैं कि एप्लीकेशन टेबल फैन, सीलिंग फैन, छत पंखा, छोटे छोटे बुलवार में किया जाता है। इसका कहा जो कैपेसिटर मोटर है आपको बता दिए, छोटे छोटे बुलवार में किया जाता है। और याद रखिए जो शादी में देखते हैं उनकी साइड जगह होता है ना, ये परफ्यूमिंग के लिए, उसे परफ्यूम डाल जाता है, रास्ते गेट पर घूमते घुसते वहाँ पर एकदम मन पसंद हो जाता है, एकदम सेंट खुशबू, एकदम भिन्नी खुशबू आ रही होती है, स्वीट स्वीट वो लगा होता है। वहाँ पर जो हवा आपको दिया जाता है वो क्या होता है, वो बुलवा ही होता है। जैसे एसी में बुलवा लगाते हैं, आप देखिए आजकल मॉल में घुसेगा ना तो गेट पर एकदम पूरा जोर से हवा आएगा आपके शरीर पर, एसी लगाता है ना, तो उसी में एक तरह से बुलवा लगा होता है जो आपको बहुत जल्दी जवा देता है। ठीक है, तो परमानेंट कैपेसिटर मोटर का प्रयोग सीलिंग फैन में, ब्लोअर में किया जाता है, टेबल फैन में किया जाता है, समझ गए आपको, ये बात हमेशा याद रखिएगा। ये कौन है, इसी को परमानेंट कैपेसिटर मोटर या कैपेसिटर मोटर कहते हैं। कभी कभी कैपेसिटर मोटर को स्टार्ट करने के बाद इसका काम खत्म भी कर देते हैं, जो आगे पढ़ेंगे कैपेसिटर स्टार्ट मोटर पढ़ेंगे, इसको आगे बढ़ने तक देते हैं हम लोग। ये परमानेंट कैपेसिटर मोटर फिगर देख लीजिएगा और हमेशा याद रखिएगा, स्टार्टिंग वाइंडिंग में क्या होता है, टर्न की संख्या क्या होती है, कम या होता है कम, और रनिंग वाइंडिंग टर्न की संख्या हो गया, यानी मतलब स्टार्टिंग वाइंडिंग की बात करें दोनों में टर्न की संख्या डिफरेंस होता है। यहाँ पर ये फिगर आप देख लीजिएगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम बताते हैं, यहाँ पर इसमें दिख नहीं रहा आपको, ये होता है इसके अंदर गोल वाला, समझ गए। चलिए अब आएगा कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर, इसको हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, तब तक इतना ही रहते हैं। कैपेसिटर स्टार्ट, इसमें कैपेसिटर को क्या करेंगे, स्टार्ट करने के बाद हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, इस मोटर कहाँ प्रयोग करेंगे, इसका प्रयोग हम लोग देखेंगे। तब तक धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।